दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाने वाले हैं डोमाल की विंडो में स्पैक किस तरीके से लगाया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों पर ये स्पैक लगाना नहीं आता। तो आज दिखाने वाले हैं कि डोमाल की विंडो में किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेते हैं। और मार्किंग जहां पर आप चाहते हैं लोग को इस पैक को लगाना, तो वहां पर सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं, यानी कि आपका मिडल हिस्सा होना चाहिए, यानी कि बीच में आप इसको लगाएं। यहां पर देख सकते हैं इस पैक लगा लेते हैं और ऊपर से इसको 1.5 इंच नापिए। और जो हमारा लॉक लगाने का जहाँ पर हमारा जो हैंडल लगता है उसका जो मैं अगर बता दूँ तो 1 इंची पर वो हमेशा आता है, यानी कि हमारा 1 इंची यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमने 1.5 इंची पर लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमारा होल के लिए हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो सीधा सीधा मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1 इंची यानी कि 25 mm पर आप निशान लगा लीजिए। और ये जो आप स्क्रू लगाएंगे हैंडल के, इसको आप 1.5 इंची यानी कि 7 सूत आप हटाकर लगा लीजिए। बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर, बीच में जो हमने मार्किंग किया है जहाँ पर हमारी रोड लगेगी हैंडल की, यहाँ पर इससे हटाकर आपको 1.5 इंची करना है यानी कि 7 सूत। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्किंग हो चुकी है और इस पैक अब हम दिखाएंगे इसमें। अब यहाँ पर हम 1.5 के बिट से होल कर लेते हैं। सबसे पहले आप छोटे बिट से होल कीजिएगा, पतले बिट से आप होल कीजिएगा, डायरेक्ट आप मोटे बिट का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कि स्क्रेचेस आ जाएंगी क्योंकि बिट रपटेगा। डायरेक्ट मोटे बिट से आप होल मत कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको छोटे बिट से करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये बड़े बिट से करना पड़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और मोटा बिट आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ये होल हो जाता है, होल होने के बाद यहाँ पर होल मैच कर लेते हैं। तो होल बिल्कुल मैच हो जाएगा, किसी भी तरीके की इसमें इस पैक में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पहला जब पहला लॉक लगाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 10-15-20 मिनट लग जाएंगे, मगर जब आप पहला लॉक लगा लेंगे तो सेकंड लॉक जब आप लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये हम हैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हैंडल की अगर बात करें तो पैगो का हैंडल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस पैक की अगर बात करें तो इसका साइज 800 mm होता है और इसमें हैंडल लगाया जाता है, यानी कि 800 mm आप छोटी विंडोज़ में इस्तेमाल करेंगे और बड़ी विंडो में आप 2400-3600 mm का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तो स्क्रूज़ के लिए हमने कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्रू के लिए हमने निशान लगा लिया है और ये हम 3 होल कर लेते हैं। इस पैक को लगाने के लिए आपको 3 होल करने पड़ेंगे, और क्योंकि हमारा जो हैंडल लगेगा वो 3 होल पर ही लगेगा, क्योंकि बीच वाले होल में हमारा जो है रोड चली जाती है और 2 साइड के जो होल होते हैं उनमें हम स्क्रूज़ लगा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस पैक अंदर डाल लिया है। इस पैक डालने के बाद इसमें देख सकते हैं बीच में आपको यहाँ पर रोड का हिस्सा नज़र भी आ रहा होगा इस पैक का। अब यहाँ पर क्या करते हैं इसमें हैंडल लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हैंडल को देख लेते हैं, तो हैंडल हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे एक बार फिर से चेक करेंगे, इसको निकाल कर यहाँ पर एक बार फिर से अंदर कर लेते हैं और यहाँ पर स्क्रू इसमें लगा लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसका सिस्टम और भी है, मैं वो भी आपको समझाऊँगा, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है स्क्रू, स्क्रू लगाने के बाद इसको फिक्स कर लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हैंडल लग चुका है। हैंडल लगाने के बाद अब इस पैक का काम रह जाता है जो कि हमारे डोर के अंदर का हिस्सा है, उसमें हम क्या करेंगे उसमें पैकिंग लगाते हैं, वो पैकिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाली पैकिंग आप देख सकते हैं जो कि इस पैक के नीचे आपको लगानी पड़ती है ताकि हमारी इस पैक आराम से चल जाए। और क्योंकि क्या होता है कि नीचे उसमें चलने के लिए थोड़ा सा मूव होने के लिए स्पेस आपको चाहिए, तो इसके लिए इस पैकिंग को नीचे रखा जाता है, फिर इसमें स्क्रू लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने पैकिंग नीचे लगा ली है और पैकिंग को लगाने के बाद इसमें स्क्रू लगा देंगे, फिर हैंडल हमारा चल जाएगा, इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर पैकिंग लग चुकी है, पैकिंग लगाने के बाद अब इसमें स्क्रू लगा लेते हैं। स्क्रू लगाने के बाद हमारी जो इस पैक रेडी हो जाएगी चलने के लिए। तो ये मेन चीज़ है इसका, इस पैक और हैंडल। तो सबसे मेन चीज़ इसकी मार्किंग होती है, मार्किंग आप अगर ठीक कर लेंगे तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला हैंडल लगाने में आपको टाइम लगेगा, फिर आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा इसको लगाने में। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं फिर से खोल कर इसको, और यहाँ पर इसको फिर से लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस पैक लग चुका है, और दूसरा अब इसमें दूसरी तरफ की भी पैकिंग इसमें लगा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पैकिंग लगा लिया है
और पैकिंग लगाने के बाद इसमें फिर से स्क्रू लगा देंगे। तो इसमें आप 1 इंची स्क्रू का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि 6/25 का सेल्फ स्क्रू का इस्तेमाल इसमें आप कीजिए। यहाँ पर 6/25 का स्क्रू इसमें लगा लेते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्क्रू लगा लिया। अब हैंडल देख सकते हैं, हैंडल हमारा चल रहा है, तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। हैंडल हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको थोड़ा सा हैंडल चलाकर भी दिखाऊंगा। इसमें ये जो हमारी स्पैक होती है, लॉक जो होता है, किस में लॉक होता है, यहाँ पर हैंडल दोनों तरफ दोनों पल्ले में लग चुके हैं। अभी यहाँ पर ये पत्ती जो आप देख रहे हैं, इसमें हमारा स्पैक यानी कि लॉक हो जाता है, क्योंकि ये ट्रैक है और ट्रैक के ऊपर इस पत्ती को इस तरीके से लगा दिया जाता है। चाहे आपकी UPVC विंडो है, चाहे आपकी एल्युमिनियम विंडो है, तो इस पत्ती का ही इस्तेमाल किया जाता है अगर आप हैंडल लॉक लगा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।